हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए क्लास थर्ड में कंप्यूटर प्रैक्टिकल एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं ये हम देखेंगे। तो कंप्यूटर प्रैक्टिकल एग्जाम के क्वेश्चन देखेंगे। क्लास थर्ड में बच्चों को बेसिकली एमएस वर्ड स्टार्टिंग करवा दिया जाता है और उसमें टाइपिंग कैसे की जाती है ये बता दिए जाते हैं। साथ ही एमएस पेंट और टक्स पेंट, इन तीनों टॉपिक्स पे इन प्रैक्टिकल लैब में करवा दिए जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, नंबर वन, ओपन एमएस वर्ड एंड टाइप द नेम ऑफ इंडियन सिटी, और टू, ओपन एमएस वर्ड एंड टाइप द नेम ऑफ योर स्कूल फ्रेंड। तो चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन हम करते हैं, किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एमएस वर्ड लिखेंगे। एमएस वर्ड यहीं पे आपको शो हो जाएगा, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ से पहला क्वेश्चन है आपका 5 CD। सीरीज के नाम लिखना है, तो लिखने के लिए नंबर वन कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे और फॉन्ट की साइज हम यहाँ पर 14 रखेंगे। फॉन्ट की साइज यहाँ पर हम 14 रखेंगे। तो पहला सीडी का नाम हमें लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग हम डालते हैं यहाँ पर, हेडिंग सिटी नेम, सिटीज नेम। फर्स्ट लेटर हम कैप्स लॉक को यूज करके या फिर शिफ्ट के साथ उस की को हम प्रेस करेंगे और फिर हम उसे फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। नेक्स्ट हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसको माउस से ड्रैग करते हुए सेलेक्ट करेंगे, फिर बोल्ड करेंगे और हेडिंग को हम 16 डालेंगे। फिर यहाँ पे कर्सर करके माउस को यहाँ 1 के आगे क्लिक करेंगे। पहला सिटी नेम शिफ्ट के साथ हम बी को प्रेस करेंगे तो ये कैपिटल हो जाएगा। फिर डायरेक्ट BHOPAL, भोपाल, नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट नंबर जाने के लिए हम इंटर की प्रेस करेंगे और नंबर 2 डालेंगे और कीबोर्ड से ये डॉट हम डालेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क के पास में ये जगह है, यहाँ पर हम लिखेंगे। फिर शिफ्ट के साथ आई प्रेस किए, फिर डायरेक्ट हम लिखेंगे NDORE, इंदौर। नेक्स्ट एंटर की दबाएंगे और थर्ड नंबर लिखेंगे। थर्ड नंबर में हमारा हो जाता है देवास, शिफ्ट के साथ डी को प्रेस किए, फिर डायरेक्ट हम लिखेंगे EWAS, देवास। 5 CD के नेम हम यहाँ पर लिखना है। फिर एंटर की से हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे एंड नंबर 4 करके डॉट लगाएंगे। नेक्स्ट सिटी का नाम हमें धार लिखना है, तो शिफ्ट के साथ डी करेंगे और डायरेक्ट हम लिखेंगे HAR, इंटर से हम नीचे जाएंगे और नंबर 5 लाइन कीबोर्ड से देंगे और फिर नेक्स्ट हम सिटी की लिखेंगे पटना, शिफ्ट के साथ पी प्रेस करेंगे और फिर डायरेक्ट हम लिखेंगे PATNA। इस तरह लिखने के बाद ये पहले क्वेश्चंस का जवाब हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम जवाब लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने को इसको सेलेक्ट करके इसकी साइज बढ़ा के इसको हम बोल्ड कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके सिटीज नेम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमें स्कूल फ्रेंड्स नाम लिखने हैं, तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे स्कूल फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स नेम। शिफ्ट की के साथ हम फर्स्ट लेटर लेंगे और उसके बाद नीचे हम डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखना शुरू करते हैं। नंबर 1 पहला नेम हो जाता है शिफ्ट के साथ R, फिर डायरेक्ट RAJ, राजकुमार। K के लिए हम कैपिटल लेंगे KUMAR, इस प्रकार हम व्यवस्था लिखेंगे। नेक्स्ट इंटर से हम 2 पे जाएंगे और नेक्स्ट नाम हम लिखेंगे शिफ्ट के साथ R, सॉरी नंबर 2 पहले डालेंगे फिर डॉट लगाएंगे, फिर स्पेस की से एक लाइन हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर हम लिखेंगे शिफ्ट के साथ RA, सिर्फ हम शिफ्ट के साथ आर करेंगे और AVI डायरेक्ट हम लिखेंगे, शिफ्ट की यूज नहीं करेंगे। फिर हम एक स्पेस की से स्पेस देंगे और नेक्स्ट हमें लिखना है जैन, तो शिफ्ट के साथ हम जे ले रहे हैं, फिर डायरेक्ट AIN हमने लिखा। नंबर 3 के लिए इंटर की दबाएंगे और नंबर 3 पर जाएंगे, इसमें हमको लिखना है अवि राय। फर्स्ट लेटर हमेशा नाम में कैपिटल होता है, तो शिफ्ट के साथ ए दबाएंगे और फिर बाद में हम डायरेक्ट लिखेंगे अवि स्पेस की दबाएंगे और फिर हम लिखेंगे राय, शिफ्ट के साथ
आर, फिर डायरेक्ट हम लिखेंगे ए आई। नेक्स्ट एंटर के बाद एंटर करेंगे, एंटर की से हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, फिर नंबर फोर डॉट, और यहाँ पे फिर हम एक स्पेस देके नेक्स्ट नाम लिखेंगे, शिफ्ट के साथ एस और डायरेक्ट ओ एन ए, सोना सिन्हा, फिर शिफ्ट के साथ एस फर्स्ट लेटर हम डालेंगे, फिर एस आई एन एच ए डायरेक्ट हम लिखेंगे। तो ये आपके, और फिर फर्स्ट वाले आंसर को भी हम सेलेक्ट करके इसको भी हम बोल्ड कर देंगे और साइज इसकी भी हम बढ़ा देंगे 16। ऊपर वाले हेडिंग की साइज हम 18 कर देते हैं क्वेश्चंस की, और आंसर हमने 16 लिया है। तो इस प्रकार ये अपना आंसर तैयार है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इसी प्रकार के लास्ट टाइम में लैब एक्टिविटी में बच्चों को क्वेश्चन दिए जाते हैं। नेक्स्ट किस प्रकार के क्वेश्चन लैब एक्टिविटी में बच्चों से पूछे जाएंगे उसके लिए आप हमारे वीडियो पे बने रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।